वादिया शवाल की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा वादिया शवाल के बारे में जानते हैं। वादिया शवाल वज़ीरिस्तान की वो वादी है जिसने सयाहों का दिल मुकम्मल तौर पर जीत लिया है। यानी कि वो सयाह जो एक दिन में वज़ीरिस्तान का विज़िट करना चाहते हों तो सबसे पहले नंबर पर वो वादिया शवाल का रुख करते हैं। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि वादिया शवाल वज़ीरिस्तान में सयाहों का गढ़ बन चुका है, और इसकी वजह खूबसूरती, इसमें मौजूद चिलगोज़ों के घने जंगल और हर तरफ हरियाली, और जनाब गर्मी के मौसम में बादल पहाड़ों से इतने नीचे उतर आते हैं कि आपको यूँ लगता है कि आप बादलों में गायब हो गए। और इन चंद फैक्टर्स की वजह से शवाल ने सयाहों का दिल मुकम्मल तौर पर जीत लिया है। वादी शवाल में आप सबको खुश आमदीद। बेइंतहा किस्म का एक्साइटेड हूँ मैं शवाल देखने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ शवाल को वीडियोज़ और फोटोज़ और पिक्चर्स में देखा था, रियल में मैंने नहीं देखा था। वज़ीरिस्तान आया था लेकिन शवाल तक नहीं आया था। माकिन से ऊपर 3-4 किलोमीटर ऊपर आएंगे, राजमार्ग के लिए रास्ता जाता है, वहाँ से लेफ्ट साइड पर शवाल के लिए यानी पश जारात के लिए रास्ता स्प्लिट हो जाता है, सिंगल रोड है, उस पर आप आते जाएँगे। सबसे पहला जो मकाम आता है वो आता है स्पिन कमर, एक छोटा सा गाँव है। ये पीछे आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इंतहाई ऊँचा पहाड़ है, इसके बेस में ये गांव बस्ती या छोटा सा कला कलाई जो है, हमारे पश्तो ज़बान में इसको कलाई कहते हैं, ये आबाद है, यहाँ पे रहते हैं लोग। तो इससे आगे आता है नेक्स्ट जो स्टॉप है वो पश जोरात का आता है, तकरीबन यहाँ से 15 किलोमीटर पर है, इंतहाई खूबसूरत इलाका है। तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, साथ में जाके देखते हैं इसका रोड कितना खूबसूरत है। अक्सर हम कहानियों में या किताबों में एक ही बात सुनते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। ये एक हकीकत है और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें वादिया शवाल के बारे में तो वादिया शवाल के सफ़र से ज़्यादा खूबसूरत उसकी मंजिल है, और मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उसका सफ़र है। खैर, मंजिल की बात तो हम तब करेंगे कि जब हम मंजिल पर पहुँचेंगे। चूँकि अभी हम सफ़र में हैं तो इसके सफ़र की खूबसूरती की बात करते हैं। वादिया शवाल के सफ़र की खूबसूरती इसके रोड यानी इसके रास्ते की वजह से है, जो कि इतना खूबसूरत है, जिसमें ऐसे मोड़ आते हैं कि हर मोड़ पे एक नया व्यू आता है और ऐसे मालूम होता है जैसे कोई सांप परंगता हुआ जंगल में जा रहा हो। स्पिन कमर से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद ये पॉइंट आएगा, यानी कि एक मोड़ है और टॉप है इस जगह की। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर उतर जाना है। यहाँ पर उतर के आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी गाड़ी बाइक पार करके अपने इस रोड के किनारे की तरफ आ जाना है। और आपने इस रोड किनारे पे ये चीज़ देखनी है कि स्पिन कमर से लेके अभी तक आपने जो सारे कर्व्स कवर किए हैं, जिन कर्व्स पे होकर आप इस टॉप तक पहुँचे, वो हाइट से कैसे नज़र आती है। तो आपने बिल्कुल इस जगह पे खड़े होकर देख लेना है, वो देखें पीछे आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी अजीब किस्म की और बेहतरीन किस्म की सीनरी और व्यूज़ के साथ और बेहतरीन रोड पर आप इस टॉप तक पहुँचें। इस टॉप तक पहुँच कर इस खूबसूरती को बयान करने के लिए मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि आपके पास अल्फाज नहीं होंगे और आप सिर्फ इस व्यू को देखते रह जाएंगे। यहाँ पर से आप अपने साथ खाने पीने का सामान ले आते हैं और अपनी पसंद की जगह ढूंढ कर जगह पर बैठकर कई एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। कहीं पर कुकिंग चल रही होती है तो कहीं पर म्यूज़िक चल रहा होता है, तो कहीं पर ढोल की आवाज़ के साथ रिवायती तान हो रहा होता है, या तो फिर कहीं पर रिवायती गानों का आवाज़ आ रही होती है, या फिर कहीं पर दोस्तों के ठोले आपस में बैठ कर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और अगर आपने वादिया शवाल में पश ज़ियारत में सयाहों का असल रंग देखना हो तो आपको मैं बताऊंगा, आप यहाँ पर जुमे या फिर इतवार वाले दिन आए।
तो ये है पर्ज रात का टॉप। टूरिस्ट जितने भी आते हैं, जितने भी सयाह आते हैं, अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लेके पार्क कर देते हैं अपनी पसंद की जगह पे, क्योंकि आप वहीं से लेके बिल्कुल लैंड तक किसी भी जगह अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और फिर जो टूरिस्ट आते हैं अपने लिए एक जगह सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे उन्होंने कुकिंग करनी होती है या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो अपनी जगह सेलेक्ट करके वहाँ पे कुकिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। सामने बोर लगा हुआ है, बिल्कुल साफ पानी होता है यहाँ पे पीने के लिए भी और दुकानें पकाने के लिए भी। लेकिन अगर आप भी ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं या भी आपका अगर कुकिंग का या कोई इस तरह दूसरी एक्टिविटीज़ का प्लान है अगर, और यहाँ पर आप आने चाहते हैं, तो मैं आपको पहले से बता दूँ, ऐसी जगह सेलेक्ट करें या दरख्त के नीचे से या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको बारिश लगने का ख़तरा ना हो, या फिर अपने साथ बारिश से बचने के लिए सामान वगैरह ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट है और हाइट की वजह से यहाँ पे मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं होता। अभी अगर धूप हो रही है तो अगले घंटे बारिश शुरू हो जाती है, और अगर बारिश होती है तो अगले घंटे धूप निकल जाती है। मैंने बार बार एक बात का जिक्र किया कि शवाल में आने वाले सयाह अपने साथ खाने पीने का सामान ले आते हैं, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वहाँ पर खाने पीने का सामान नहीं मिलता। यानी कि वो लोग जो अपने साथ खाने पीने का सामान नहीं ले आते, तो वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा मौजूद है जहाँ पर हर किस्म का खाना ऑर्डर पर मिल जाता है, और इसके अलावा वहीं पर हर किस्म की रिफ़्रेशमेंट अवेलेबल है और इंतहाई कम रेट पर। चूँकि वहीं पर चाय के कप का साइज़ छोटा होता है और मैं हूँ इंतहाई शौकीन बंदा चाय का, तो मैंने भाई से एक मग में चाय ली। यानी कि एक मग में तकरीबन 3 प्याले आ सकते थे और टोटल 2 मग थे चाय के और 1 पकौड़ों की प्लेट। और इसके बदले उन्होंने मुझसे सिर्फ 150 रुपये लिए, और वो भी मेरे इसरार करने पर, वरना वो लेने से इनकार कर रहे। और मेरी इस बात का मतलब ये है कि वादी शवाल में आपको सयाहत के साथ साथ मेहमान नवाजी भी देखने को मिल जाती है। मैं वापस जा रहा था, लेकिन इस जगह पे पहुंच के दोबारा व्यू इन्जॉय करने के लिए मैं कुछ टाइम के लिए रुक गया। लेकिन मेरे जहन में एक बात आ गई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। जो टूरिस्ट हैं या जो आने वाले मेहमान हैं हमारे, जो शवाल या पर्ज़ ज़ियारत की तरफ आना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा क्यों उनसे कि आप जब आएँ अपने साथ जो शॉपर या जो गंदगी वगैरह जो चीज़ें ले आते हैं यूज़ करने के बाद, अब काइंडली उस चीज़ों को ना वहीं पे ना फेंकें, बहुत गंदगी बन जाती है। अभी मेरा दिल वहाँ पे देख के बहुत खफा हुआ, ऑलरेडी बहुत सारा गंद बना हुआ था। तो जितना हम इसको साफ रखेंगे, इतना हमारा दिल बार बार चाहेगा कि हम जगह को विज़िट कर लें। जितनी हम गंदगी पे लाएंगे, इतना हमारा दिल नहीं चाहेगा कि यार हम जिस जगह पे जाएं। तो गुजारिश है आपसे, काइंडली जो अपने साथ गंद ले आते हैं उसको अपने साथ वापस ले जाया करें। हाफिज़।